हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लस स्टडी आईक्यू। फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर की सीरीज में ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज अपन 16 सितंबर के करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में देखेंगे। तो जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल प्लस स्टडी आईक्यू से भी जुड़ सकते हो। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने चैनल की लिंक सेंड कर दूंगा, जहां से आप ज्वाइन कर सकते हो और साथ ही इस वीडियो के पीडीएफ को मेरे टेलीग्राम चैनल प्लस स्टडी आईक्यू से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस कब मनाया गया है दोस्तों? तो ये मनाया गया है 15 सितंबर को। यहाँ पे 15 सितंबर को क्या दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया गया है। तो ये भारतवर्ष में क्या दोस्तों कब से मनाया जाता है? तो भारतवर्ष में 1968 से हर साल 15 सितंबर को यहाँ पे क्या, राष्ट्र के विकास में इंजीनियरों के योगदान को चिन्हित करने के लिए इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कब से मनाया जाता है दोस्तों? तो 1968 से हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो यह दिन भारत के जो सबसे महान इंजीनियर सर मोक्ष गुंडम विश्वरैया की जयंती के दिन, जो सर एमबी के नाम से भी प्रसिद्ध है, तो ये किसके जयंती के दिन मनाया जाता है दोस्तों? तो यह दिन भारत के जो सबसे महान इंजीनियर सर मोक्ष गुंडम विश्वरैया की जयंती के दिन मनाया जाता है, जो सर एमबी के नाम से भी दोस्तों प्रसिद्ध हैं। तो ये सर एमबी को फादर ऑफ मॉडर्न मैसूर यानी आधुनिक मैसूर के जनक के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें 1955 में इसके लिए भारत के निर्माण में उनके असाधारण योगदान के लिए भी दोस्तों यहाँ पे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो कब किया गया था? 1955 में उन्हें भारत के निर्माण में उनके असाधारण योगदान के लिए भारत रत्न से भी उन्हें सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है? तो हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है दोस्तों? तो ये ली है योशीहिदे सुगा ने। जो योशीहिदे सुगा ने यहाँ पे हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो ये जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव योशीहिदे सुगा को देश के नए सत्तारूढ़ी पार्टी यानी जो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नए प्रमुख और जापान के प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया है। तो जो 71 वर्षीय अधिकारी जो 16 सितंबर 2020 से कार्यालय का प्रभार ग्रहण करेंगे। तो ये कब से अपना जो कार्यालय का जो कार्यभार ग्रहण करेंगे दोस्तों? तो 16 सितंबर 2020 से ये अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। और यहाँ पे अगर जापान की बात करें दोस्तों, तो ये जापान के राजधानी कौन सी है दोस्तों? तो जापान की राजधानी है टोक्यो। और जापान की मुद्रा कौन सी है दोस्तों? तो येन है पे मुद्रा है जापान की। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में विश्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो हाल ही में जो विश्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे चुना गया है दोस्तों? तो ये चुने गए हैं राजेश खुल्लर को। यहाँ पे राजेश खुल्लर को हाल ही में विश्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में चुने गए हैं। तो ये 1988 बैच के आईएएस अधिकारी राजेश खुल्लर को यहाँ पे वाशिंगटन डीसी स्थित विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये खुल्लर वर्तमान में यहाँ पे क्या कर रहे थे दोस्तों? ये खुल्लर वर्तमान में यहाँ पे मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर के प्रधान सचिव के रूप में तैनात हैं और वह नवंबर के पहले सप्ताह में विश्व बैंक में शामिल हो जाएंगे। तो कब ये विश्व बैंक में शामिल हो जाएंगे? तो नवंबर के ये पहले सप्ताह में विश्व बैंक में शामिल हो जाएंगे। और विश्व बैंक के अध्यक्ष को, विश्व बैंक की बात करें दोस्तों, तो विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो डेविड मालपास यहाँ पे विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों? तो संयुक्त राज्य अमेरिका वाशिंगटन डीसी में यहाँ पे विश्व बैंक का मुख्यालय है। और विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो जुलाई 1944 में यहाँ पे विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है,
हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब मनाया गया है? हाल ही में जो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब मनाया गया है दोस्तों, तो ये मनाया गया है 15 सितंबर को। 15 सितंबर को क्या दोस्तों? हाल ही में जो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाया गया है, तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी विश्व स्तर पर क्या हर साल 15 सितंबर को लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है विश्व स्तर पर? तो हर साल यहाँ पे 15 सितंबर को लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और लोकतंत्र का ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस दुनिया में लोकतंत्र की स्थिति की समीक्षा करने का अवसर देता है, यानी लोकतंत्र की समीक्षा की जो जो लोकतंत्र की स्थिति की समीक्षा करने के लिए यहाँ पे ये दिवस अवसर देता है दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में एडीबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो हाल ही में यहाँ पे एडीबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे चुना गया है दोस्तों, तो ये चुने गए हैं समीर कुमार खरे को। यहाँ पे समीर कुमार खरे को एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो नए अध्यक्ष के रूप में, यानी नए कार्यकारी निदेशक के रूप में चुने गए हैं। यहाँ पर जो कैबिनेट नियुक्ति समिति यानी ACC ने समीर कुमार खरे को यहाँ पे एशियाई विकास बैंक यानी ADB मनीला के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पर जो खरे 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS असम कैडर के अधिकारी हैं। तो कब के जे खरे 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS असम कैडर के यहाँ पे अधिकारी हैं, और वे वर्तमान में क्या है दोस्तों, तो वर्तमान में वे वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के यहाँ पे विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में सेवारत हैं। यहाँ पे जो एशियाई बैंक की बात करें तो एशियाई बैंक के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो मासुगु अस्काबा यहाँ पे एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हैं। और एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों, तो मांडलुंग फिलीपींस में यहाँ पे एशियाई बैंक का मुख्यालय है। और एशियाई बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो 19 दिसंबर 1966 में यहाँ पे एशियाई विकास बैंक की यहाँ पे स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो हाल ही में जो केयर ने चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान जताया है? तो हाल ही में जो केयर ने चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान जताया है दोस्तों, तो ये जताया है -8 से लेके 8.2%, यानी -8 से लेके 8.2% यहाँ पे केयर ने चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP गिरावट का अनुमान जताया है। यहाँ पर जो भारतीय रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP 8 से 8.2% की रेंज में नेगेटिव रहने का अनुमान जताया है। तो ये अनुमान इसके पहले ही जारी किए गए -6.4% से अधिक है। तो जो सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि में लगभग 8% की गिरावट, यानी सकल स्थिति स्थिर पूंजी निर्माण में यहाँ पे क्या हो गया, गिरावट के साथ जुड़ी है। तो जो सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में लगभग 8% की गिरावट, सकल स्थिति स्थिर पूंजी निर्माण में यहाँ पे गिरावट के साथ जुड़ी है दोस्तों। यहाँ पे केयर रेटिंग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो 1993 में यहाँ केयर रेटिंग की स्थापना हुई थी। और केयर रेटिंग का मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। और केयर रेटिंग प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है दोस्तों, तो अजय महाजन यहाँ पे जो केयर रेटिंग प्रबंधक निदेशक है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, तो हाल ही में माई लाइफ इन डिज़ाइन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हाल ही में जो माई लाइफ इन डिज़ाइन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों, तो ये लिखी गई है गौरी खान के द्वारा यहाँ पे हाल ही में माई लाइफ इन डिज़ाइन नामक पुस्तक लिखी गई है। तो ये इंटीरियर डिज़ाइनर गौरी खान ने क्या दोस्तों माई लाइफ इन डिज़ाइन शीर्षक अपनी पहली बुक लिखी है, और जिसे पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा 2021 में प्रकाशित किया जाएगा। कब प्रकाशित किया जाएगा द्वारा, किसके द्वारा और कब प्रकाशित किया जाएगा इसे दोस्तों, तो जिसे पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा 2021 में प्रकाशित किया जाएगा।
और यह एक कॉफी टेबल बुक है जिसमें गौरी ने एक डिजाइन के रूप में अपनी यात्रा के बारे में लिखा है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग में वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। तो हाल ही में जो S&P ने ग्लोबल रेटिंग में ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है दोस्तों, तो ये जताया है -9%। यहाँ पे -9% यहाँ पे क्या है दोस्तों, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स जो ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP रहने का अनुमान जताया है। यहाँ पे S&P यानी जो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग ने क्या दोस्तों, यहाँ पे COVID-19 महामारी के प्रभाव के कारण वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP के लिए जारी किए गए अपने पहले के अनुमान 5% निगेटिव को बदलकर यहाँ पे 9% निगेटिव रहने का अनुमान जताया है। तो यहाँ पे इसके अलावा S&P रेटिंग ने क्या वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP 6% वृद्धि की उम्मीद जताई है। तो यहाँ पे 2021-22 में भारत की GDP 6% में वृद्धि की उम्मीद जताई है दोस्तों इसने, और जबकि जो FY23 यानी 2022 से लेके 23 में 6.2% की दर से वृद्धि होने का अनुमान जताया है। तो यहाँ पे S&P रेटिंग मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों, तो न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका मुख्यालय है, और S&P ग्लोबल रेटिंग के अध्यक्ष कौन है, तो जॉन बेरिसफोर्ड यहाँ पे इसके अध्यक्ष है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों अपन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, हाल ही में यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों, यहाँ पे किया गया है आदित्य पुरी को दोस्तों। यहाँ पे क्या, आदित्य पुरी को यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 से सम्मानित किया गया है। तो जो HDFC बैंक के प्रबंधक और निदेशक आदित्य पुरी को यहाँ पे यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो उन्हें क्या भारत में एक विश्व स्तरीय बैंक के निर्माण के उनके कौशल के लिए सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे किस लिए सम्मानित किया गया है, तो उन्हें भारत में जो एक विश्व स्तरीय बैंक के निर्माण और कौशल के लिए यहाँ पे सम्मानित किया गया है, और यूरो मनी अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ बैंकों और बैंकरों को प्रदान किया जाता है। यहाँ पे जो इसकी शुरुआत कब से हुई थी ये पुरस्कार, इसकी शुरुआत 1992 में की गई थी दोस्तों, और जो वैश्विक बैंकिंग उद्योग में शुरू किया गया अपनी तरह का एक पहला पुरस्कार था। यहाँ पे HDFC बैंक की बात करें तो HDFC बैंक के टैगलाइन क्या है दोस्तों, तो वी अंडरस्टैंड यूर वर्ल्ड यहाँ पे इसकी टैगलाइन है, और HDFC बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों, तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, हाल ही में हिमालय दिवस किसके द्वारा मनाया गया है। हाल ही में जो हिमालय दिवस किसके द्वारा मनाया गया है दोस्तों, तो ये मनाया गया है WIHG द्वारा, जो WIHG द्वारा यहाँ पे हाल ही में हिमालय दिवस मनाया गया है। तो जो भारतीय सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान है जो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी यानी WIHG द्वारा यहाँ पे वर्चुअल हिमालय दिवस मनाया गया है दोस्तों। तो किसके द्वारा मनाया गया है, जो स्वायत्त संस्था वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी द्वारा यहाँ पे वर्चुअल हिमालय दिवस मनाया गया है, और इसका जो हिमालय दिवस के अवसर पर यहाँ पे क्या दोस्तों, हिमालय के विभिन्न पहलुओं पर विशेषज्ञता हासिल करने वाले वैज्ञानिकों द्वारा भूस्खलन आपदा जोखिम में कमी और हिमालय भूकंपीयता जोखिम जागरूकता और समन और हिमालय क्रियोस्फीयर और ब्लैक कार्बन की यात्रा जैसे कई क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया जाता है। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू सो मच फ्रेंड।